वेलकम बैक दोस्तों, ऑटोमोबाइल वर्ल्ड में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम महिंद्रा स्कॉर्पियो का डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट में हम आपको काफ़ी अच्छी जानकारी देने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको बताते हैं। तो वीडियो की शुरुआत हम गाड़ी के इंजन से करते हैं। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो में आपको एम हॉक का 4 सिलेंडर वाला इंजन जो कि 2179 cc और 2523 cc के ऑप्शन में मिलता है, और 140 bhp की पावर 320 न्यूटन मीटर का टार्क जनरेट करके देता है, और 15 से 16 km/h का माइलेज बड़े आराम से दे देता है। और यह गाड़ी 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आती है। अब बात करें गाड़ी के डायमेंशन की, तो इसमें आपको 2680 mm का व्हील बेस, 1820 mm की विड्थ और 4456 mm की लेंथ मिलती है। और बात करें गाड़ी की हाइट की, तो इसमें आपको 1995 mm की हाइट मिलती है। तो ये तो होगा गाड़ी के इंजन और डायमेंशन के बारे में बात। और अब बात करते हैं गाड़ी के लुक और फीचर्स के बारे में। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो में लुक्स के लिए आप न्यू इम्पोजिंग फ्रंट ग्रिल, न्यू मस्कुलर एलॉय व्हील्स, न्यू इंस्पायरिंग टेल गेट, प्रोजेक्टर हेड लैंप्स विद लेड आईब्रोज, न्यू स्लीक रेड लेंस लेड टेल लैंप्स, न्यू ORVMs विद इंटीग्रेटेड साइड टर्न इंडिकेटर्स, न्यू स्टाइलिश फॉग लैंप्स विद क्रोम बेजल, स्ट्रीकिंग बोनेट स्कूप, न्यू स्किड प्लेट जैसे फीचर्स मिलते हैं। और बात करें गाड़ी में कंफर्ट की, तो गाड़ी में आपको न्यू फॉक्स लेदर इंटीरियर्स, इंचेंटेड स्टोरेज स्पेस, फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, एक्सीलेटेड टर्निंग रेडियस, हाइड्रोलिक असिस्टेड बोनट, हाइट एडजस्टेबल ऑन ड्राइवर साइड सीट, ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल्स ऑन ड्राइवर साइड, रियर एसी वेंट्स, रियर वॉश एंड वाइप, मल्टीपल सीटिंग ऑप्शन जैसे फीचर्स मिलते हैं। और बात करें सेफ्टी की, तो गाड़ी में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, क्रैश प्रोटेक्शन क्रम्बल जोन्स, इंजन इमोबिलाइजर, पैनिक ब्रेक इंडिकेशन, लेटेस्ट जनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम, कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम एंड साइड इंस्ट्रक्शन बीम्स जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। और इसकी कीमत की बात करें, तो इसकी शुरुआती कीमत 10 लाख रुपए है, और जो इसका जो टॉप एंड की कीमत है वो 16 लाख रुपए है। और जैसा कि हमने वादा किया था कि लास्ट में आपको हम अच्छे से समझाएंगे, तो अगर चलिए हम आपको समझाते हैं। अगर आप महिंद्रा स्कॉर्पियो लेते हैं तो आप फायदे में रहते हैं, क्योंकि अगर इस सेगमेंट की अगर आप दूसरी गाड़ियां लेते हैं जैसे कि टाटा सफारी स्टारमी हो गई, तो उसका मेंटेनेंस बहुत हाई है और उस गाड़ी में खर्चे काफ़ी होते हैं, और उसका जो देखा जाए इंटीरियर वगैरह तो काफ़ी लो पहले के ज़माने का है। लेकिन स्कॉर्पियो में आपको सब कुछ अपग्रेडेड मिलता है और बहुत से कहीं ज़्यादा फीचर्स उससे मिल जाते हैं। हालांकि आपको इसमें थोड़ा सा कंफर्ट के लिए थोड़ा सा भी दिक्कत होगी टाटा सफारी स्टारमी से, लेकिन आप बाकी इसमें मेंटेनेंस बहुत कम है। तो अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो आप इस गाड़ी को ज़रूर लीजिए। और अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, हम रिप्लाई ज़रूर दे देंगे, आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों हमने अभी इंस्टाग्राम में आईडी बना ली है और वहाँ पर पोस्ट करना शुरू कर दिया है, तो आप इंस्टाग्राम में सर्च कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर शो हो रही है, हैशटैग ऑटोमोबाइल ब्रदर्स सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों वहाँ पर फॉलो जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलते हैं नई वीडियो में, तब रखें थैंक यू।